नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को मिली राहत। नौतपा में तपने के आसार हुए कम। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बेमौसम बारिश ने लोगों को राहत दे दी है। बारिश के साथ गिरे ओलों से हालांकि किसानों की सब्जियों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उमस भरी गर्मी से एक तरफ लोगों को राहत मिल गई है। सूखी गलियां गीली हो गई है और मौसम सुहाना हो गया है। मौसम की खूबसूरती और ठंडक लोगों के लिए मनमोहक है। आइए सुनाते हैं कि बारिश के बाद लोगों का क्या कहना है। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। भाई आज बारिश हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आज बारिश हो रही है बहुत तगड़ी, पत्थर भी गिर रहा है, तूफान भी आ रही है और बिन बारिश मौसम हो रहा है। राहत मिल गई है गर्मी से, लू बंद हो गई है, यम एक दशा है। बूंदी गिरना गिर रही है अभी थोड़ा थोड़ा, पत्थर भी बंद हो गया है और बरसात हो रही थोड़ा थोड़ा। इससे किसानों को तो किसी तरह का नुकसान? किसानों को नुकसान नहीं है कुछ भी, थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी जो लगाए हैं उनको नुकसान है पत्थर गिरने से। बर्फबारी भी हुई, बर्फ गिरा है? बर्फ गिरा है। क्या फर्क पड़ेगा किसानों की सब्जी में? खरोंच आ जाएगा, यह में के है। तो गर्मी से क्या राहत मिल चुकी है? गर्मी से राहत मिल चुकी है बिल्कुल। नौतपा भी लगा है। नहीं, अभी 4 तारीख तक का रहेगा नौतपा। कौन सा शहर है ये? रीवा है। अभी भी बारिश हो रही है लगातार? हाँ, बारिश अभी भी हो रही लगातार। क्या नाम है आपका? राजेश साकेत। कहाँ के रहने वाले? जेरुका।